झारखंड के बोकारो में फिर दो कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इस तरह राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 19 हो गई है। रविवार को भेजे गए सैंपल में दो पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। इधर एक बार फिर खतरनाक कोरोना वायरस ने झारखंड में दूसरी जान ले ली। रिम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हिंदी पीढ़ी के 60 वर्षीय शख्स को चिकित्सक सारे प्रयास के बावजूद नहीं बचा सके। रविवार को सुबह उसकी मौत हो गई। मृत व्यक्ति हिंदी पीढ़ी का रहने वाला था और संक्रमण की पुष्टि होने के बाद ट्रॉमा सेंटर में भर्ती था। पत्नी सहित उसका पूरा परिवार मलेशिया मूल की तबलीगी महिला से कोरोना संक्रमित हुआ था। बोकारो में दो और पॉजिटिव केस मिले हैं। रिम्स निदेशक डॉक्टर डी के सिंह ने इसकी पुष्टि की है। राज्य में इसके साथ ही कोरोना वायरस के दो नए मामलों को जोड़कर कुल 19 कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जबकि इनमें से दो मरीजों की मौत हो गई है। रिम्स निदेशक के मुताबिक रविवार को यहां कुल 92 संदिग्धों के सैंपल की जांच की गई। इसमें 90 की रिपोर्ट निगेटिव मिली, जबकि दो मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। झारखंड में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि होने के बाद पहली बार किसी मरीज की मौत हुई है। उससे पहले गोमिया के संक्रमित व्यक्ति की जांच रिपोर्ट आने के पहले ही मौत हो गई थी। हिंदी पीढ़ी के मृत व्यक्ति की बात करें तो उसकी तबीयत बिगड़ने के बाद उसे रिम्स ट्रॉमा सेंटर के क्रिटिकल केयर विंग में गुरुवार शाम से ही वेंटिलेटर पर रखा गया था। उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी, बाद में उसकी स्थिति गंभीर होती गई। बता दें कि उसके परिवार के अन्य 4 सदस्यों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें भर्ती किया गया है। इधर कोरोना से लगातार 2 मौत होने के बाद राज्य सरकार की चिंता बढ़ गई है। संक्रमण से कम जान माल का नुकसान हो, इसे लेकर मंथन शुरू हो गया है। इधर लगातार मिल रहे पॉजिटिव केस ने भी चिंता बढ़ा दी है। झारखंड में कोरोना के अब तक 17 पॉजिटिव केस मिल चुके हैं, इनमें से 2 की मौत हो चुकी है। अन्य 15 मरीजों का कोरोना अस्पतालों में इलाज जारी है। झारखंड में रविवार को कोरोना के 205 संभावित मरीजों की जांच हुई। उनके सैंपल जांच के लिए रांची के रिम्स, जमशेदपुर के MGM और धनबाद के PMCH भेजे गए। इनकी जांच रिपोर्ट अभी नहीं आई है। इधर राज्य में अब तक कुल 2,117 संभावित मरीजों की जांच हो चुकी है। इनमें से 17 की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, जबकि 1,666 में कोरोना का संक्रमण नहीं मिला है। हालांकि 434 लोगों की जांच रिपोर्ट अभी तक लंबित है। इनमें रविवार को लिए गए 205 सैंपल भी शामिल है। राज्य यहां अब तक 8 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। हिंदी पीढ़ी इलाके में तबलीगी जमात से जुड़ी मलेशिया की महिला से बाकी के 7 लोगों को कोरोना का संक्रमण हुआ। रविवार को इन 6 संक्रमितों में से 1 की मौत हो गई। 56 साल के पुरुष की मौत के बाद उसके परिवार के 5 और सदस्य अभी कोरोना संक्रमित हैं। बोकारो यहां अब तक 6 कोरोना पॉजिटिव मिले। बीते दिन गोमिया के एक संक्रमित की मौत हो गई। यहां बांग्लादेश से लौटी तबलीगी जमात की महिला से बाकी के लोगों में संक्रमण फैला है। हजारीबाग यहां अब तक 2 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। 1 केस पश्चिम बंगाल के आसनसोल से लौटे विष्णुगढ़ के व्यक्ति में मिला, जबकि दूसरा केस उस गांव से 3 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में मिला। यह व्यक्ति बाहर से मजदूरी कर लॉकडाउन के दौरान अपने घर लौटा है। कोडरमा यहां अब तक 1 कोरोना पॉजिटिव मिला है। गिरिडीह के राज धनवार के रहने वाले कामगार को कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद उसे आइसोलेट कर दिया गया है। यह मजदूर भी लॉकडाउन के दौरान ही मुंबई से झारखंड आया है।